40 से 50 सेकेंड में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा हमने कैसे 40 से 50 सेकेंड में कंफर्म टिकट बुक किया, इसके बाद आप लोग कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यूजर ID पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करते हैं, इसके बाद लॉगिन करते हैं, इसके बाद पहले लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर ID फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड फिल कर लिया, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर ID थोड़ा सा वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमें 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रेन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैंने एक टिकट बुक किया था आनंद विहार से जमालपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस में। तो देख सकते हैं डेट ऑफ जर्नी 13 जुलाई का है, जो कि आपको आने वाले टाइम का है। सिंपल इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें इस टिकट को डाउनलोड करेंगे टाइमिंग चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 नाम एक साथ बुक किया था स्लीपर में, जो कि कन्फर्म है। सीट नंबर भी देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, इसे हम बैक करना पड़ेगा। PDF हमें डाउनलोड करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारा PDF जो है गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। सिंपल पहले हम गैलरी से ओपन करके चेकआउट करा देता हूँ, टाइमिंग आपको चेक करा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PNR नंबर भी शो कर रहा है, यहाँ पे टाइम भी चेक कर सकते हैं। 8:55 में ये टिकट हमारा कंफर्म बुक हो गया था। तो आप लोग 40 से 50 सेकंड में इस तरह से कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, तत्काल टिकट हो या फिर ओपनिंग टिकट हो। सबसे पहले इसे हम बैक कर लेते हैं। आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करेंगे तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, जब टिकट बुक करने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले ट्रेन पर क्लिक करना है, बुक टिकट पर क्लिक करना है, फॉर्म स्टेशन और टू स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है पहले ही। इसके बाद क्लास पे क्लिक करना है, इसके बाद डेट ऑफ जर्नी पे क्लिक करना है, इसके बाद जिस डेट का आपको टिकट बुक करना है सिंपल क्लिक करके ओके पे क्लिक करने के बाद सर्च पर के क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जब आप टिकट बुक करेंगे तो मास्टर लिस्ट पहले बना के रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। पैसेंजर डिटेल मास्टर लिस्ट बना के रखेंगे तो तत्काल टिकट या फिर ओपनिंग टिकट बुक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग मास्टर लिस्ट बना सकते हैं। सिंपल यहाँ पे नेम फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ जर्नी फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बर्थ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लोअर मिडिल अपर बर्थ सेलेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल ऐड सक्सेसफुल, यानी कि मास्टर लिस्ट में हमारा नाम जो है सेव हो गया है। तो इस तरह से सबसे पहले आप लोगों को टिकट बुक करने से 1 से 2 घंटा पहले मास्टर लिस्ट भी बना के रखना है। इसके बाद होम पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को लॉगिन किस टाइप करना है, जब आप टिकट बुक करेंगे ओपनिंग टिकट या फिर तत्काल टिकट, यानी कि 1 मिनट पहले आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पे 7:59 में लॉगिन कर लिया था। इसके बाद ट्रेन पर क्लिक करना है, बुक टिकट पे क्लिक करना है, फॉर्म स्टेशन टू स्टेशन सेलेक्ट करके रखना है, इसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ जर्नी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। ये काम आपको सबसे पहले करके रखना है, जब बुकिंग करने से पहले ही इस पेज पे आपको ऑलरेडी पहले आ जाना है 8 बजे से पहले ही। और इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक सही होना चाहिए, जो कि मैं आपको इंटरनेट स्पीड भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर हमारा इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी हद तक सही है, इंटरनेट स्पीड चेक करा देता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोस्त का वाईफाई यूज कर लिया कुछ टाइम के लिए, जो हमें टिकट बुक करना था। आप देख सकते हो वाईफाई से मेरा कनेक्ट भी है। स्पीड में चेक करा देता हूँ, यहाँ पे हमें स्पीड टेस्ट लिखते हैं गूगल क्रोम पे, और देख सकते हैं हमें 100+ स्पीड यहाँ पे शो कर रहा होगा। क्योंकि टिकट बुक करना इतना आसान नहीं है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, क्योंकि इंटरनेट स्पीड हद तक सही होगा तभी आप बुक कर सकते हैं, तत्काल टिकट हो या फिर ओपनिंग टिकट हो। इस टाइम देख सकते हैं 100+ MB स्पीड है।
तो आपको इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक सही होना चाहिए। इसे हम बैक कर लेते हैं। और जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, जैसे ही आपको 8:01 होगा तो सिंपल आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है तो एसी पे करना है तो एसी क्लिक करना है। सिंपल मैं स्लीपर पे क्लिक किया 8:01 में। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब हम मास्टर लिस्ट में हमारा पहले से सेव करके रखा रहेगा तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पे बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउड पे भी आपको वो क्लिक नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यदि आपको 1 से 4 साल का बच्चे है उसका सीट चाहिए तो यहाँ सीट ले सकते हैं, लेकिन फेयर जो है आपको फुल पे करना पड़ेगा। अगर नहीं लेना है तो नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे आप लोगों को भीम UPI या फिर पेटीएम या फिर फोन पे ही यूज करना है। यदि अदर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को टिकट बुकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर फिल करना फटाफट, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 40 से 50 सेकेंड में अगर टिकट बुक करना है तो हर चीज़ आपको फास्ट करना पड़ेगा और इंटरनेट स्पीड भी फास्ट होना चाहिए। तो हम फाइनली पेमेंट ऑप्शन पे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड देख सकते हैं, मल्टीप्ले भी पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे, फोन पे भी क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फोन पे UPI फिल करना पड़ेगा, तो मैं फोन पे UPI फिल करता हूँ। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं नाम यहाँ पर सही शो कर रहा होगा। इसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। तो इस बात को, एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप टिकट बुक करेंगे ओपनिंग टिकट या फिर तत्काल टिकट, तो एक मोबाइल फ़ोन में आप लोग का IRCTC ऐप लॉगिन होना चाहिए और दूसरे मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे लॉगिन होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो हमारे दूसरे वाले फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा। तो सिंपल वहाँ पे आप लोगों को पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद 4 डिजिट का पिन डालना है या फिर 6 डिजिट का पिन डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो 10 से 15 सेकेंड यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेस पे टाइम लगाएगा। इसके बाद आपको पेन डाल जनरेट हो जाएगा। यदि आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है, बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ पे क्लिक करके बुक करना है। जिससे क्या होगा, यदि वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा तो आपका वेटिंग टिकट बुक नहीं होगा। यदि आप ओपनिंग टिकट बुक करते हैं इस टाइम, तो आप लोगों को बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ पे क्लिक नहीं करना है। क्योंकि इस समय क्या होगा, 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से सारा टिकट खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे वेटिंग स्टॉप होता है। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा चांसेस हो जाएगा, अगर वेटिंग लिस्ट में भी टिकट आता है, यानी सॉरी अगर टिकट कंफर्म खत्म हो जाता है, तो आप लोग RAC टिकट बुक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। यदि बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ पे क्लिक नहीं किए होंगे तो वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसके बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।